गोरखपुर महोत्सव का उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। कोई भी महोत्सव उस जिले के क्षेत्र के विकास का है और वहां के संस्कृति का प्रतिबिंब हुआ करता है। यहाँ पर बच्चों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, बच्चों ने नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, इससे पता चलता है कि गोरखपुर बहुत आगे बढ़ रहा। उन्होंने कहा कि भारत को कभी सपेरों का देश, पाखंडियों का देश कहा जाता था, आज टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने दुनिया में अपने आप को एक नए स्थान पर लाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा, गोरखपुर से हमारे देश व प्रदेश को नेतृत्व मिल रहा है, ये गुरु गोरक्षनाथ की धरती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत मजबूती देने का काम किया है। वो चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन की बात हो या यहीं से चार पीढ़ियों ने उस लड़ाई को लड़ा है, लेकिन 500 वर्षों के तपस्या के बाद राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जो कि 22 जनवरी को होने जा रहा है। ये सनातन को मानने वाले लोगों के लिए गौरव का क्षण होगा। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी दिशा निर्देश दिए थे, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पिछले दिनों से प्रयास किया है और हम लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को इस बार बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें भी इस वर्ष ऐड करने की कोशिश की है, वो भी आप लोगों को दिख रही होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं इस के शुभारम्भ में ये आप सबको बताना चाहूँगा कि इस गुरु गोरक्षनाथ एवं भगवान बुद्ध की पावन तपोभूमि को हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने माननीय पर्यटन मंत्री जी का दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि आपने लखनऊ से यहाँ आकर अपना बहुमूल्य समय हमारे गोरखपुर महोत्सव के शुरुआत के लिए दिया है, जो हम सभी अधिकारियों के लिए और जनपद के लिए यादगार रहेगा। सर, गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र भूमि में भगवान बुद्ध का जन्म एवं परिनिर्वाण होने के कारण यह भूमि पर्यटन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष हजारों लाखों की संख्या में लोग हमारे इस जनपद गोरखपुर से होते हुए कुशीनगर तक जाते हैं, जिससे पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो ये जनपद बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले 15 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर क्रूज का भी उद्घाटन किया है। अगर अब हर शाम को हम देखते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आस पड़ोस के जनपद से भी आते हैं यहाँ पे कि क्रूज की हमें सवारी करना है। और इसके अलावा जो हमारा ये नौकायान है, इसको हम और दिन ब दिन जो है सुंदर करते जा रहे हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप का भी निर्माण किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं उनको भी हम लोग जो है बहुत अच्छे से जो है उनको और जो है रिनोवेट कर रहे हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा पूरा एरिया है, अगर आप देखेंगे तो रामगढ़ ताल के चारों तरफ हमारा एक रिंग रोड भी बन रहा है और बहुत ही जल्दी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 1-2 मंथ हम लोग इसका भी उद्घाटन कर पाएंगे, जिससे पर्यटन की और संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये सब चीज़ें जो है हम लोग पिछले कुछ दिनों से लग के करा रहे हैं सर, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी समय भीड़ भी आई है और हम लोग कुछ ना कुछ नाभि से आवाज आएगी, बोले भारत माता की वंदे, बोलो जय श्री राम, दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते हर हर, भारत माता की। आज गोरखपुर महोत्सव की पहले शुभारंभ के पवित्र अवसर पर इस पवित्र धरती जो बाबा गोरखनाथ जी की तपोस्थली है, गीता प्रेस गोरखपुर, जिसने न सिर्फ गोरखपुर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है, ऐसी गोरखपुर की धरती जो क्रांतिकारियों की धरती रही है, राम मंदिर की अलग जगाने का जिस धरती से शुभारंभ हुआ हो, ऐसी धरती को सर्वप्रथम में प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गोरखपुर की आन बान शान के प्रतीक
अपने प्रिय लोकप्रिय आदरणीय सांसद श्री रामकिशन जी शुक्ला जी, मंचा सिंह आदरणीय डॉक्टर मंगलेश जी मेयर गोरखपुर, आदरणीय विधायक विपिन सिंह जी, आदरणीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय विधायक बिमलेश पासवान जी, पूर्व मेयर आदरणीय सीताराम जायसवाल साहब, गोरखपुर मंडल के सम्मानित मंडलायुक्त अनिल ढींगरा जी, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश जी, आदरणीय आनंद वर्धन जी, संजय कुमार जी मीणा और नगर आयुक्त गौरव सिंह जी उपस्थित, मंचा सिंह सभी बहुत बहुत साम्राज्यम पंडाल में मौजूद हमारे गोरखपुर और आसपास के पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि नव वर्ष के इस पवित्र मौके पर, अभी 15 जनवरी तक तो मैं समझता हूं नव वर्ष हम लोग शुरू में मानते ही हैं, पवित्र मौके पर और खासकर यहाँ का खिचड़ी महोत्सव जो आने वाला है मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि गोरखपुर, आपका अपना गोरखपुर, हमारा अपना गोरखपुर निरंतर इसी तरह प्रगति के नए नए आयाम तय करते हुए पूरे देश और दुनिया में अपनी नई पहचान देने का संकल्प पूरा कर सके और इस संकल्प को पूरा करने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो भूमिका चल रही है। आज गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर आज मैं स्वयं हाजिर हूँ, माननीय सांसद और हमारे सुपरस्टार फिल्मों के आदरणीय रवि किशन जी, माननीय सांसद जी गोरखपुर के गौरव, और उनके साथ साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज इसका शुभारंभ किया गया है। कोई भी महोत्सव उस जिले के उस क्षेत्र के विकास का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के उभरते हुए नए नए डेवलपमेंट्स का प्रतिबिंब हुआ करता है। जैसा कि हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी तमाम जो बच्चों ने नई नई खोज की है, नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से गोरखपुर बहुत आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं सब प्रतिभाओं का कमाल है कि भारत जिसको कभी सपेरों का देश, पाखंडियों का देश कहा जाता था, आज भारत ने टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिसर्च के द्वारा दुनिया में अग्रणी देशों की भूमिका में अपने को कई मौकों पर स्थापित करने का काम किया है। और आज इस महोत्सव के पवित्र मौके पर मैं प्रणाम करना चाहूँगा आदरणीय योगी जी को और बाबा गोरखनाथ जी की तपोभूमि को, जहाँ से कई पीढ़ियों से लगातार हमारे देश को नेतृत्व ही नहीं मिला बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही मजबूती देने का काम किया है। एक चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन की बात हो, इसी तपोभूमि से चार पीढ़ी के संघर्ष के उपरांत आज हमारा शुभ अवसर है कि 500 वर्षों से ज़्यादा लंबे समय के त्याग तपस्या संघर्ष और बलिदानों के बाद 22 जनवरी को वो अवसर आ रहा है कि हमारी पीढ़ी के सामने, हम लोगों के सामने सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग, चाहे वो यूपी के हों, पूरे देश के हों या विश्व पटल पर कहीं रहते हों, उन सब के लिए गौरवशाली क्षण होगा जब देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के करकमलों के द्वारा उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय मंदिर का, श्री राम जी के मंदिर का हो रहा है, अपने घर में राम जी विराजमान हो रहे हैं, तो ये भी इस धरती का ही उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी